हे प्रभु यीशु के जीवंत वचन, मैं तेरा स्वागत करता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह के जीवंत वचन, मैं तेरा स्वागत करता हूं। तू मेरे अंदर आ और मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु के पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। प्रभु के वचन को सीखने और सिखाने के लिए मेरी मदद करे। वचन के ऊपर चलने के लिए आगे पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करे। प्रभु के जीवन वचन तेरा स्वागत करते हैं। प्रभु के जीवन वचन तेरा स्वागत करते हैं। प्रभु के जीवन वचन तेरा स्वागत करते हैं। स्वागत 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 स्वागत। यस 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 यस। होली रफ्फा रिसा ना ला ला बा। ओ पर 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 पर। यस। ऑलमाइटी गॉड परमिशन। अपने अभिषेक को यहाँ पर खोलिए। अभिषेक के द्वारा तेरा वचन यहाँ पर कार्य करे। बंधन टूटे। जीवन परिवर्तित हो। घरों में हालात तब्दील हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। परमेश्वर का स्वागत करें। तालियों के द्वारा एक बार प्रभु के नाम को महिमा और स्वागत करें। से ऊपर जा 90% हम शिकस्त खाते हैं। जितने लोग अपने इस भवन में बैठे हैं, यदि मैं हाथ खड़े करवा कर पूछना चाहूं तो आप में से केवल 5% ही ऐसे होंगे जिन्होंने हर एक मुसीबत के ऊपर जय पाई है। कुछ कुछ गवाहियां तो होंगी सबके जीवन में, ऐसे तो नहीं हम आए हैं, परंतु ज्यादातर हम अपने जीवन में हार का सामना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? 100% हमको रिजल्ट चाहिए। आमीन। कितने परसेंट रिजल्ट चाहिए? 100 में से 100 आनी चाहिए। 100% हमारा जीवन जयवंत होना चाहिए।
100% हमारे परिवार में शांति होनी चाहिए, 100% हमारा शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, 100% हमारे बच्चे एजुकेटेड होने चाहिए, 100% हमारे पास जॉब्स होना चाहिए, बिजनेस में 100% हम ग्रोथ करने वाले होने चाहिए। क्यों होना चाहिए 100%? उसका रीजन ये है कि हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जिसने सारी कायनात को बनाया है, ऐसे यीशु मसीह को मानते हैं जो मृतकों में से जी उठा है, ऐसे यीशु का हम स्वागत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं जो 5 रोटियों को 5,000 में बदलने की क्षमता रखता है। अरे भाई मत पूछे 100% रिजल्ट क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए जिनके साथ हमारा रिलेशन है वो 100% वाला नहीं, वो तो 1000% वाला है। तो फिर कब रिजल्ट क्यों आते हैं, क्यों हमारे जीवन में हम डाउनफॉल होते जाते हैं? कभी कभार जीवन में ऐसा हो जाता है जैसे बाढ़ के दिनों में दरिया में नदी में पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है परंतु ज्यादातर सूखा ही रहता है। जीवन में परिवार में ऐसा चल रहा है, क्या सहमत होगा आप उठाकर बता सकते हो? ऐसा है ना, कभी कभार जीवन में ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई है तो पानी का स्तर ऊपर आ गया है, अब तो बस आनंद है, परंतु ज्यादा टाइम सूखे का गुजर रहा है। कभी कभार ब्लेसिंग किया जो बारिश होने लगती है, कभी कभार जीवन शांतमय आनंदमय और बहुत ही अद्भुत लगने लगता है यीशु को मानने के द्वारा, परंतु ज्यादातर दुख जीवन बसर करते। क्या ऐसा है ना, बोलिए जी बताइए क्यों है ऐसा? उसका कारण है मेरे भाइयों, क्योंकि हम जब मसीह में आते हैं तो हम अपना भेष बदलते हैं परंतु हमारा बेस नहीं बदलता। यह है समस्या, भेष बदलना और बेस बदलना क्या है इसके विषय में हम सीखेंगे। बाइबल बताती है एक व्यक्ति जब लुकर के सुसमाचार में जाते हैं उसका 11 अध्याय उसके 37 पद से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया भोजन के लिए। यदि ऊंचे स्वर में पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। यस, तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात है, फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया। अब यीशु मसीह एक फरीसी के घर में है और यीशु मसीह फरीसी के साथ भी है। हम लोगों ने भी अपने यीशु को ग्रहण करके अपने घर में बुलाया, यीशु हमारे साथ भी है। विश्वास करते हो? विश्वास करने वाले के पास ताली बजाएं कि यीशु हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। यीशु हमारे साथ भी है, हमारे घर में भी है, फरीसी के घर में भी था, साथ में भी, परंतु उसकी जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने हाथों को धोया नहीं, स्नान नहीं किया, क्योंकि यहूदियों में यह प्रथा थी कि खाने को अति पवित्र माना जाता था और खाना खाने से पहले अपने आप को शुद्ध किया जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर ऐसा किया। प्रभु उनको बताना चाहते थे कि तुम लोग बाहर से क्या हो और अंदर से क्या। हम सब यीशु मसीह को अपने साथ तो लेना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को अपने घर में तो बुलाना चाहते हैं, परंतु हम अपने भेष के साथ साथ अपने बेस को नहीं बदलते।
प्रभु ने क्या कहा? हे फरीसियों, प्रभु ने उसे कहा, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मानते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। अंदर और बाहर की बात, बाहरीतम और अंदरतम, जो बाहरी रूप है, हम फट से जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो ऊपर ऊपर वाली बातें हम सब छोड़ देते हैं। अब हम यीशु को मानते हैं, हम इधर उधर दाएं बाएं कहीं गड़बड़ नहीं होते। जो जो मना किया है, कुछ कुछ आज्ञाएं हैं, उनका पालन करके हम अपने आप का पूरा भेष बदल देते हैं। बहुत कुछ हमारे शरीर में भक्ति पूर्ण होता है जब जब हम अपने अपने धर्म आस्था में जाते हैं तो उसके मुताबिक चलते हैं। जब यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह के भवन में आते हैं, बहुत सारी बातें हम छोड़ देते हैं, बाहरी भेष तो बदलते हैं परंतु हम अंदर में तब्दील अंदर से नहीं। यहां पर प्रभु ने कहा, तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। देश बदलना पड़ेगा मेरे भाई और बहन। बहुत सारे विश्वासी खुदा के घर में आते हैं, वो बाहरी भेष बदलते हैं परंतु वो अपना भेष, जहां अपना मूल रूप में जो आधार है, जहां अपना पुराना स्वभाव है, वो बदलते हैं। बाहरी रूप में बदलना और अंदर में बदलना, क्या अंतर है? पहले तो लड़ाई झगड़े करते थे, गालियां भी निकालते थे, अब नहीं करते, भेष बदल गया, परंतु अंदर में नफरत पूरा रखते हैं। समझ में आ रही बात? अंदर में बोलिए, नफरत विरोध अंदर में पूरा है। अंदर से तो बल सड़ रहे हैं ना, अंदर में तब्दीली नहीं आई। कितना मर्जी दीवारों को पेंट कर लो, नए से नया, नई टेक्नोलॉजी वाला, 3D वाला, जितना मर्जी पेंट कर लो, यदि अंदर सीलन है, यदि अंदर नमी है दीवारों में, तो आप फिनिशिंग नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं बन पाएगी, एक दिन वो गिर जाएगा मकान। ऐसे ही होता है मेरे भाइयों, जहां बाहर से बदलने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह कहता है आपको अंदर से भी बदलने की आवश्यकता है। 42 वचन में क्या लिखा है? 42 वचन, हे फरीसियों, तुम पर है तुम पुदीने और गुलाब का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो। बहुत सारे लोग प्रभु का वचन कहता है कि दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को क्या कर देते हो? टाल देते हो। परंतु प्रभु आगे क्या कहता है? जी पढ़ दीजिए। चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ये चाहिए कि दशवांश भी दीजिए, परंतु इसके साथ साथ अपना बेस, अपने अंदर को भी बदलिए। आमीन। आगे, हे फरीसियों, तुम पर है, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। मेरे प्रियो, देखिए कितनी खतरनाक बात प्रभु ने कही कि तुम लोग खुदा के घर में जाकर के कुर्सियों को ढूंढते हो, ऊंचे पद की अभिलाषा रखते हो। आज ज्यादातर चर्चेस में ये काम बहुत चल पड़ा है। मेरी अच्छी खासी पहचान होनी चाहिए, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, ये सारी बात, ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में धोखा हो रहा है। आत्मिक उन्नति रुकती है, हम जीत नहीं पाते क्योंकि हम तो उलझ करके रह गए घर की समस्याओं में। घर का मतलब कलीसिया, घर का मतलब हम अपनों में घिरे हुए अपनी अभिलाषा ढूंढते हैं, अपनी ही पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा है कि तुम वो हो छुपी हुई कब्रों के समान। जब हम पंजाबी में पढ़ते, वहां पर लिखा सफेदी
रंग की हुई कब्रों के समान। बोलो, रंग करी गई। जब कब्र के ऊपर रंग कर दिया जाए, क्रॉस लटका दिया जाए, तो कितनी सुंदर लगती है ना। परंतु खोद कर देखेंगे तो बीच में क्या निकलेगा, बोलिए। बीच में तो भाई हड्डियां हैं, सड़न है, बदबू है। ये हमारा जीवन है। बाहर से तो हम मसीही लगते हैं, बाहर से तो हम भेष बदल करके अच्छे लगते हैं, परंतु अंदर हमारे क्या है, ये बात है। इसलिए 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हम अपने भेष को नहीं बदलते। भेषभूषा बदलते हैं परंतु भेष नहीं बदलते। पहला राजा उसके 14वें अध्याय में एक घटना हमें ऐसी मिलती है। ध्यान से सुनिए, जो भेष बदलकर परमेश्वर के घर में आते हैं। कुरंथस में है, जब सेकंड कुरंथस पढ़ते हैं 11 अध्याय में, वहां पर तो साफ प्रभु के दास पौलुस ने उसको शैतान के लोगों के सामने बारे में बता दिया कि जो लोग भेष बदल करके आते हैं वो शैतान के हैं, शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान के जो दूत है वो भी परमेश्वर के दूतों के समान अपने भेष बदल लेते हैं। भेष बदलने से परमेश्वर को घृणा आती है। फर्स्ट किंग 14 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा स्पीड में पढ़ दीजिए। उस समय यारोबाम का बेटा अय्याब रोगी हुआ जी। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान ना सके। ऐसा, अब सुनिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बायोग्राफी बताना चाहता हूँ। यारोबाम जो राजा था, इसराइल का राजा था, ध्यान से सुनिए, और प्रभु का एक भविष्यवक्ता था, उसने इसी के लिए भविष्यवाणी करी थी। और क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, भविष्यवाणी के द्वारा ये आम व्यक्ति राजा बन गया। यारोबाम इसका नाम है। राजा बनने के बाद भूल गया परमेश्वर को, भूल गया परमेश्वर की आज्ञा को, भूल गया है परमेश्वर के नियमों को पालना करने को। क्या हुआ मेरे भाई और बहन, जब भूल गया, समय गुजरता गया, एक टाइम आया उसका पुत्र बीमार हुआ। जब पुत्र बीमार हुआ, बीमारी के कारण परमेश्वर के बंदे की याद आई, अब अपनी पत्नी को कह रहा है कि एक प्रभु का दास शिलो में रहता, उसका नाम अहिया है, उसने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी, अब तू जा उसके पास। परंतु मालूम है क्या कहता है, तू भेष बदल करके जा, खुदा के घर में खुदा के बंदे के पास जा, परंतु भेष बदल करके जा, कोई ना जाने के तू यारोबाम की रानी है। और बहुत सारी भेंटे हाथ में लेकर, या ये कर वो कर, आगे बढ़ दीजिए 5वें 4वें वचन से। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया, जैसा उसके पति ने कहा वैसा ही उसने किया। ध्यान से सुनना है जी। और चलकर शीलो को पहुंची, वो शीलो में आई, अय्याब के घर पर आई। जब वो अय्याब के घर पे आई, अब सुनना है, अय्याब को तो कुछ सूझना पड़ता था जी, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। अब ध्यान से सुनिए, राजा ने क्या कहा था अपनी पत्नी को, सब बोलिए ऊंचे स्वर में, भेष बदल कर जा। भाई रानी है तो अच्छे गहने भी पहने होंगे, अच्छे वस्त्र पहने होंगे, अच्छा सब कुछ होगा, ढेरों नौकरानियां साथ में होगी। अब तो वो भेष बदल के जा रही है, साथ में ना तो नौकरानियां होगी और पूरी तरह से दासी का रूप धारण किया हुआ है। आम स्त्री दासी के रूप में जा रही है। तो जब नौकरानियां नहीं है, कोई साथ में नहीं है, अब सुनिए ध्यान से, वो गई दासी बन करके। हम जब किसी जगह पर, नई जगह पर जाते हैं, तो जरूर किसी कॉर्नर से पूछते हैं, भाई हम उसके घर में जाना चाहते हैं, कहां पर है वो रहते हैं। बोलिए ऐसा ही है ना। तो अब बताया गया, जिस प्रॉफिट के पास, जिस खुदा के बंदे के पास ये बहन आई है, उसको तो पहले से दिखाई नहीं पड़ रहा, बूढ़ा होने के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, पहचान नहीं आती उसे। तो जब धुंधली आंखें हो जाती है, तो क्या हम बाहर जाते हैं जी, बोलिए नहीं जाते। तो जब किसी उसी गांव के गवर्नर में से किसी को पूछा होगा, हम अहिया
खुदा के बंदे से मिलना चाहते हैं, वो कहां पर रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं अरे कौन हमको नहीं जानते, बीच में कुछ कहते हैं अरे नहीं नहीं ये उसकी बात करती है, कौन जो अरे बोलिए हाँ जो अंधा है किसकी बात कर रही है, इसने किसके घर में जाना है? जो अंधा है, जब उसको ये बात मालूम पड़ी होगी तो वो तो सोच रही होगी अरे इतना इतना भेष बदल करके आए क्या फायदा हुआ, उसको तो पहले ही दिखाई नहीं पड़ता, इतनी एक्टिंग करनी सीखी होगी, कैसे कैसे बातें करनी है खुदा के बंदे के साथ, भेष बदल करके आइया, अब तो आंखें उसकी है ही नहीं जिसके सामने जाना है, तो बड़ी खुश हो गई होगी, अब मुझे भेष बदलने की आवश्यकता नहीं, बदल कर तो आई है, परंतु क्या हुआ ध्यान से सुनिए आगे पढ़िए। सिलो को पहुंची तो अय्या के घर पर आई जी, अय्या को तो कुछ सूझना पड़ता था जी, बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी जी, और यहोवा ने अय्या से कहा, सुनिए परमेश्वर अंधे व्यक्ति से, मैं इसलिए बोल रहा हूं हम क्या सोचते हैं, हमारी बातें भी ऐसी होती है, हमारे विचार ऐसे ही होते हैं, खुदा के बंदे को क्या मालूम, बड़ी बड़ी दलीलें हमने रखी होती हैं, बड़े बड़े हमने पॉइंट्स रखे होते हैं खुदा के बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए, पास्टर जी हमने आना तो था, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें देते हैं खुदा के बंदे को, बहुत सारे घरों में तो ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे कई बार ऐसा होता मार पिटाई भी खुद कर लेनी, थाने में रिपोर्ट भी खुद देनी, बोली ऐसा होता है ना, आज भी सुबह सुबह एक पंजाब से फोन आया था मुझे, बोला पहले हमको मारा पीटा, उसके बाद खुद जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर के हमारे ऊपर केस डाल दिया, प्रार्थना करवाने के लिए फोन किया, ऐसा ही घरों में हो जाता, घर में पूरा पटाखा खुद चलाया होता है तो दोष अपनी सास के ऊपर या अपनी बहू के ऊपर अपने परिवार वालों के ऊपर लगा करके अपने आप को प्रभु के घर में आकर के पूरी तरह से शुद्ध बता दे, भेष बदल कर आते हैं, तो यहां पर भेष बदल कर आई है, और यहोवा ने अय्या से कहा जी सुन यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, परमेश्वर ने बता दिया कौन आ रही है जी, बताइए यरोबाम की स्त्री आ रही है, रानी आ रही है देश की, तो वो तो भेष बदल कर आई है, परमेश्वर ने अंधे को बता दिया, हालेलुया। आज हम भी सोचते हैं अरे खुदा के दास तो अंधे हैं, जो कहेंगे वो मान लेंगे, ऐसा ही होता है, कहां आशीष आई, उसी दास के सामने कहते हैं हमारे लिए दुआ करें हमारा मसला हल हो जाए, उसी दास के सामने हम अपना मुखौटा बदल करके भेष बदल करके आते हैं, कहां आशीष आएगी, 100% जीत कहां होगी, ये भेष बदल कर आई है, खुदा ने अपने बंदे को कहा यरोबाम की रानी आ रही पत्नी आ रही है, अपना भेष बदल कर आ रही है, आगे सुन तू उससे ये बातें कहना वह तो आकर अपने और दूसरी औरत बनाएगी, हाँ, बता दिया क्या कहा खुदा ने, वो तेरे पास आकर के क्या करेगी, अरे बोलिए बहनों घबराइए मत, भाइयों की तरफ भी चले जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, दोनों के लिए वचन है, जोर से बोलिए हालेलुया, वो क्या करेगी अपने आप को दूसरी औरत नौटंकी करेगी, पुत्र बीमार है, आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, समस्याएं बड़ी ढेर सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं परमेश्वर के घर में आकर के, परंतु मुखौटा दूसरा पहन कर आते हैं, अपने आप को और स्त्री बनाएगी, आगे जब अय्या ने द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी तब कहा, सुनिए क्या कहा, हे यरोबाम की स्त्री, पहला ही वर्ड क्या बोला, हे यरोबाम की स्त्री, अरे बाहर वाले तो बोल रहे थे अंधा है, इसकी तो चार चार आंखें हैं, हालेलुया हालेलुया
अरे गांव के कॉर्नर से पूछा था, कहते अरे वो अजमा है जिसे दिखाई नहीं देता, उसकी बात कर रहे हैं, ये तो चार चार रंग खेले बैठे। क्या कहा है यारोबाम की स्त्री? भीतर चलिया। भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? आखिर मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। काश यदि भेष की जगह देश बदल कर जाती तो भारी संदेश नहीं आशीषमयी संदेश मिलना था। आमीन, आमीन।